Hello guys, welcome to the another video. Sorry, because of the technical glitch, I wasn't able to complete the last video. हम सेकेंड कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो था वो वॉरेन बफेट के क्वोट के बेसिस पे था. उनका कोट ये है कि जब कभी भी एक ग्रेट कंपनी एक टेम्परेरी ट्रबल पे आती है, ये उस कंपनी को बाय करने का एक बेस्ट टाइम होता है. तो हम यहाँ पे सेकंड कंपनी जिसका नाम आवास फाइनेंशरीज है, इसको डिस्कस कर रहे थे. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें उस कंपनी को ऐसे टाइम पे परचेस करना है जब कभी भी वो एक टेम्परेरी ट्रबल से पास हो रही हो. तो आवास फाइनेंशरी और जितनी भी बैंकिंग और ऐसी कंपनियां जो लोन को लेंड करती हैं रिटेल कस्टमर्स या फिर कॉरपोरेट लेंडिंग करती हैं, वो अभी इस समय स्ट्रगल कर रही हैं. और क्यों स्ट्रगल कर रही हैं? क्योंकि आरबीआई के द्वारा इस समय सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है किसी भी प्रकार के लेंडेड अमाउंट के ऊपर. तो लोगों के पास सरप्लस मनी नहीं है किसी भी प्रकार की फर्दर स्पेंडिंग को करने के लिए. अब यहाँ पे बात यह भी खड़ी होती है, क्योंकि एक हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो लोग इस समय हेजिटेंट हैं एक नए लोन को लेने के लिए, क्योंकि उनका विचार ये है कि आने वाले समय में जब ब्याज दरें कम हो जाएंगी तो उनका लोन उन्हें सस्ता पड़ेगा. यदि लोन सस्ता रहेगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और व्हाटएवर थिंग जो वो बाय करने का एक प्लानिंग कर रहे हैं उसका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अभी इन प्रकार की एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां जो हैं एक रिसेंट और टेम्परेरी स्ट्रगल से पास हो रही हैं. यहाँ पे यदि आवास फाइनेंशियलिस्ट के बारे में यदि हम बात करें तो इसका स्टॉक का P/24.5 है. और यदि आप इसका हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो ये अपने एक मिनिमम पीई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है. ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक ग्रेट कंपनी, हाउ टू फाइंड आउट अ ग्रेट कंपनी, द कंपनी विच इज एबल टू जनरेट एटलीस्ट अबव 50% आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, और जिसमें कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग बहुत बढ़िया हो, किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल गवर्नेंस का इशू ना चल रहा हो, और यदि कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा अच्छा रिप्रेजेंट करता है. दूसरी बात यहाँ पे गौर करने की यह है कि आवास फाइनेंशियली जो है स्मॉल टू कैपिटल लोन को फाइनेंस करता है, जिसमें कि आपका किसी भी प्रकार के डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है. ये एक छोटे प्रकार के लोन देते हैं. इनको देते हैं इस प्रकार के कंज्यूमर को जिनकी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स रिटर्न नहीं है या पैन कार्ड नहीं है या फिर उनके पास कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेसिस पे उनको कोई बड़े बैंक से लोन मिले. तो यहाँ पे इस बात को गौर करते हुए और ये आवास फाइनेंशियलिस्ट में यदि आप इन्वेस्टर डेटा में जाते हैं तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग भलाई आपको यहाँ पे घटती हुई दिखेगी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर शेयर्स हैं ये किनके पास गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यदि ये प्रमोटर से शेयर हाथ से निकल के यदि ये पब्लिक के हाथ में जाते हैं तो इसको मैं एक रेड फ्लैग मानता हूं. लेकिन आप यदि देख रहे होंगे यहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50 से घट के कितनी हो गई है, 40%. लेकिन एट द सेम टाइम यहां पे डीआईएस ने अपनी होल्डिंग कितनी बढ़ा दी है, डीआईएस ने 8% से अप्रोक्सीमेटली अपनी होल्डिंग डबल कर दी. तो 8% माल यहां पे उन्होंने एब्जॉर्ब किया है और रिमेनिंग ऑफ द पर्टिकुलर परसेंटेज इज बीन ऑब्जर्व बाय द एफआईआईस. पब्लिक के पास 13% की स्टॉक होल्डिंग है, उसमें भी कुछ बहुत स्ट्रांग हैंड है, जैसे आप ये इनका नाम देख सकते हैं, सुशील कुमार अग्रवाल एंड घनश्याम रावत. दीज बोथ आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रमोटर टीम ओनली. तो यहाँ पे आप मोटा मोटी यदि देखेंगे तो 40 और 40, 80 और अप्रोक्सीमेटली 85% जो स्टॉक्स हैं वो एक स्ट्रांग हैंड्स पे है. ठीक है, अब यदि इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं तो आवास फाइनेंशियलिस्ट में आपको इस चार्ट में आप देखेंगे, यदि अपन इसका डेली चार्ट देखते हैं, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेड वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को हम खोज रहे हैं. तो यहाँ पे आप एक पैटर्न को नोट करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा एक कप और ये उसका हैंडल बन रहा है. इसको बॉटम डब्ल्यू पैटर्न भी बोला जाता है. तो जब कभी भी ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो इसके जो आने वाले टारगेट हैं वो बहुत ही जबरदस्त रहेंगे. कैसे जबरदस्त रहेंगे, यहाँ पे यदि आप इसकी एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो
तो ये आपका लेवल यहां से निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 1767. करेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यू ऑफ 1467. सो अप्रोक्सीमेटली वन कैन से दैट अभी जो एक बहुत शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म गेन जो है आपकी कितनी पॉसिबल है यहां से, यहां पे आपको पॉसिबल है 20% की एक गेन. और जब कभी भी, जैसा कि यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि प्रमोटर्स और FIIs और DIIs मिलके इस स्टॉक को जबरदस्त एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि आप ये जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन को ही रिप्रेजेंट करती हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन एनी टाइम द स्टॉक मे बिकम अ रॉकेट एंड वी मे सी द पर्टिकुलर लेवल ऑफ 1767 हियर. और जैसे ही ये 1767 को क्रॉस करता है उसके बाद इसके नेक्स्ट टारगेट जो रहेंगे वह आपके इसके 1960 एंड द स्टॉक इज फर्दर गोइंग टू ट्रेड टुवर्ड्स द लाइफ टाइम हाई. तो इस प्रकार के स्टॉक्स को आप अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं. और यदि आपका खुद का स्वयं का कन्विक्शन इस प्रकार के स्टॉक में बन जाता है तो आप इनको अपने रडार पे रख सकते हैं और फर्दर इसको ट्रेड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मैं फिर से एक नया स्टॉक और उस पर अपना व्यू शेयर करूंगा आने वाले वीडियो पे. तो यदि आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट को जनरेट करना चाहते हैं तो आई विल रियली अप्रिशिएट कि यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और फ्यूचर में मुझे फॉलो करते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन.